हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ द क्लास 10th साइंस. द नेम ऑफ चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी रिडक्शन रिएक्शन के बारे में. ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, अब आपके पास टू टाइप्स की रिएक्शन है. ठीक है, एक तो है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड है आपके पास रिडक्शन. ठीक है, ये टू टाइप्स की रिएक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, सेकेंड क्या देखा हमने, रिमूवल. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड मेटेलिक एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका रिडक्शन रिएक्शन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात की थी लॉस ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बाय एटम आयन एंड मॉलिक्यूल्स. और रिडक्शन रिएक्शन में हमने बात की थी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम मॉलिक्यूल्स और आयन. फिर हमने बात की थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच कैन कॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, जिनकी वजह से क्या है, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कॉज ऑफ रिडक्शन, द कंपाउंड्स और एलिमेंट बाय विच देयर इज ऑक्सीडेशन अकर. ठीक है, जब रिएक्शन में आपका, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, जिनकी वजह से आपका रिडक्शन होता है रिएक्शन में, उनको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन. या ये भी बोल सकते हैं हम, जो आपके कंपाउंड एलिमेंट आपके ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं एडिशन के लिए, आपका प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और जो आपके हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन में ऐड करने के लिए, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. ठीक है, फिर हम आज बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है, अब जिन भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होती है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. जब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ होती है किसी भी रिएक्शन में, उनको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स मीन्स रेड का मतलब होता है आपका रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन. ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बना, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपके पास जिंक और कॉपर टू पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी ये रिएक्शन है, जिंक क्या हो रहा है, ठीक है, जिंक क्या है, अपने टू इलेक्ट्रॉन क्या है, लूज कर रहा है, सॉरी जिंक डिसोसिएट हो रहा है आपका, जिंक प्लस
टू इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसने, खुद क्या है टू पॉजिटिव फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, एक बात और थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट आयन की वो क्या है इंक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी डिक्रीज करती है रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये जिंक क्या है, जिंक टू पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इंक्रीज हो रही है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। ठीक है, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जो यहाँ से यहाँ जिंक टू पॉजिटिव में हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई कि जिंक क्या है अपने टू इलेक्ट्रॉन क्या है लूज कर रहा है, और खुद क्या है जिंक टू पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है इंक्रीज होगी, तो ये क्या है रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा है और क्या है क्या गिव कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर कॉपर, कॉपर का देख लो, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव जो जिंक ने ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने एक्सेप्ट कर लिए रिएक्शन में। ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है कॉपर मेटल। ठीक है, यहाँ पे ये आयन था और ये मेटल में चेंज हो गया कॉपर। ठीक है, न्यूट्रल हो गया ये, तो यहाँ पे क्या है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टू पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं हमें पता है कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी एटम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर क्या है गेन कर रहा है आपके इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। फिर सेकेंड देखो आप, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि कार्बन में क्या है आपका ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है जिंक ऑक्साइड तो लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में क्या है ऑक्सीजन आपकी रिमूव होती है, तो ये भी साइमल्टेनियसली हो रही है। फिर आपकी बात आती है 2H2S प्लस SO2। ठीक, ये फॉर्म कर रहा है 3 सल्फर प्लस 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो S आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है सल्फर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सल्फर है यहाँ पे क्या है रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है रिडक्शन रिएक्शन। फिर आपकी MnO2 प्लस 4HCl। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो आपका MnO2 है, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहा है आपका Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका Cl2 ऐड हो रहा है। अब आप देखो नॉन मेटल की रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देख लो एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ऑक्सीजन आपकी रिमूव हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है आपकी ये क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका क्या है रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा है और क्या है आपका Cl2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे Fe2O3, ठीक है, प्लस 2Al एल्यूमिनियम के साथ क्या है आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe में क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है रिमूव हो रही है आपकी। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन में क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम में क्या है ऑक्सीडाइज, ये क्या है खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऐड हो रही है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है आपकी यहाँ पे क्या हुआ आपका
Fe2O3, ठीक है, ये Fe में चेंज हो रहा है कि इसकी ऑक्सीजन क्या है, रिमूव होगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये रिडक्शन में चला गया, एल्यूमिनियम में क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर है आपके 2Na सॉलिड, ठीक है, Na सॉलिड, सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस की जब रिएक्शन होती है तो ये NaCl बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, Na चेंज हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, Na जो आपका है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे टू एलिमेंट है Na के, तो ये टू टू और ई टू इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, इस रिएक्शन में जो सोडियम है टू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, Na पॉजिटिव, टू Na पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सेकंड जो है रिडक्शन की कहाँ हो रही है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इन जो सोडियम ने टू इलेक्ट्रॉन किए रिलीज, तो इनको क्या है, ये एक्सेप्ट कर रहा है टू क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, टू क्लोरीन आयन, ठीक है। तो ये टू क्लोरीन आयन फॉर्म कर रहा है, ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, NaCl, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव फॉर्म हुआ, यहाँ Cl नेगेटिव फॉर्म हुआ, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या है, NaCl फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है।